राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र विकास यादव की स्विमिंग पूल में डूबने से हुई दुखद मृत्यु ने विश्वविद्यालय प्रशासन और कोच की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और वहां उपस्थित छात्रों के अनुसार विकास यादव की मौत अटैक से नहीं बल्कि स्विमिंग पूल में आ रही अनियमितताओं और कोच की लापरवाही के कारण हुई है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है और मौत के कारण को हार्ट अटैक बताकर छात्रों पर दबाव बना रहा है। छात्र विकास यादव की मौत के बाद उनके साथी और उनके अन्य छात्र एसएमएस मोर्चरी पहुंच चुके हैं और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक विकास यादव को न्याय नहीं मिलता वे वहां से हटने वाले नहीं है। इस मामले की जांच और प्रशासन की कार्यवाही पर सभी की नजर टिकी हुई है।